जिस वक्त भारत मूल के अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा था और भारत भूमि को कौटिल्य भूमि की स्वीकार्यता साबित हो रही थी, ठीक उसी समय नेपाल जैसा देश भारत के एहसानों को लतिया रहा था। वहां दो दिन से गूंज रहा वी लव चाइना का नारा गगनभेदी बन चुका था। यह भारत के लिए सकारात्मक संकेत नहीं है, बल्कि भारत को सजग हो जाना चाहिए, क्योंकि नेपाल जैसा देश जिसके लिए भारत ने सदैव समर्पण की भावना को आत्मसात किया, वह भारत को भूलकर चीन की गोद में खेलने की तैयारी कर चुका है। हिमालय की गोद में बसे इस देश के साथ चीन ने रणनीतिक साझेदारी मजबूत करने के साथ ही 56 बिलियन की सहयोग राशि देने का भी ऐलान किया है। पिछले 20 वर्षों में किसी चीनी राष्ट्रपति की यह पहली यात्रा थी, पर यहां से चीन ने इशारों में एक संदेश भारत को सुनाने के लिए दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि चीन हमेशा नेपाल की आजादी और क्षेत्रीय एकता को मजबूत करने के लिए खड़ा रहेगा। इसका मतलब यह है कि चीन अपनी चालबाजी से भारत को नेपाल से दूर करने का पूरा खाका तैयार कर चुका है और उसका हस्तक्षेप नेपाल के आंतरिक मामलों में बढ़ता जा रहा है। भारत के लिए यह भी फिक्र करने की बात हो सकती है कि जिस बेल्ट एंड रोड परियोजना की वह मुखालफत करता रहा, नेपाल ने भारत के विरुद्ध जाकर उसमें सक्रिय भागीदारी की इच्छा जताई है। नेपाल भारत को नजरअंदाज करके दो कदम और भी आगे निकल गया। उसने चीन से ट्रांस हिमालयन नेटवर्क करने की वकालत की। यह वही रेलवे लाइन है जो सीधे चीन से आकर नेपाल को जोड़ती है। भारत के लिए यह रेलवे मार्ग इसलिए भी चिंता की बात है कि चीन को भारत की घेराबंदी करने में मजबूती मिलेगी। BRI प्रोजेक्ट में काम कर रही एक कंपनी ने नेपाल में बाकायदा स्कूलों के ठेके हासिल करके निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया है। इससे पूर्व नेपाल के ज्यादातर ठेके भारतीय कंपनियों के पास होते थे, लेकिन नेपाल अब भारत के हाथ से फिसलता जा रहा है। यह बदले समीकरण निश्चित ही भारत को बहुत अधिक प्रभावित कर सकते हैं। भारत अभी तक नेपाल का सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी रहा है, साथ ही अपनी भौगोलिक सीमाओं के कारण भारत ही नेपाल के लिए दुनिया में पहुंचने का प्रवेश द्वार है। नेपाल का कुल व्यापार 2018 में 6.82 बिलियन रहा, जिसमें से भारत का हिस्सा 6.38 बिलियन था। नेपाल रोड लिंक के जरिए भारत पर निर्भर है और 2015 में नेपाल ने भारत पर आर्थिक ब्लॉकेज बनाने का भी आरोप लगाया था। नेपाल ने भारत पर उस वक्त भी आरोप लगाया था कि भारत नेपाल के नए संविधान से खुश नहीं है। चीन की नेपाल में तेजी से हुई घुसपैठ और BRI रेलवे लाइन जैसे प्रोजेक्ट नेपाल को भारत के खिलाफ सिर उठाने का मौका दे रहे हैं। भारत ने भी चीन के इन प्रोजेक्ट का जवाब देने के लिए वर्ष 2018 में एक महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट साइन किया था। 130 किलोमीटर का रेलवे प्रोजेक्ट काठमांडू से बिहार के रक्सौल तक के लिए साइन किया गया है। पर मामला यहां तक नहीं है। चीन ने जिस प्रकार नेपाल में अपनी नई नई योजनाओं का क्रियान्वयन किया है, उसने भारत के मंसूबों को विफल करने में बहुत हद तक कामयाबी पाई है। आज चीन नेपाली स्कूलों में चीनी भाषा का प्रसार कर रहा है। नेपाल में चीनी दूतावास उन स्कूलों के अध्यापकों को वेतन और विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं जो चाइनीज भाषा पढ़ाते और सीखते हैं। इससे नेपाल में साम्यवाद का प्रचार बहुत तेजी से हुआ और अध्यात्म में नेपालियों की आस्था में लगातार कमी आती जा रही है। भारत का दूतावास अभी भी नेपाल को भाई के रूप में ही देख रहा है, जबकि हालत यह है कि प्रचंड दहल जैसे कम्युनिस्ट चीन का गुणगान कर रहे हैं। पिछले महीने सितंबर में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने 2 दिन का एक सेमिनार सी जिनपिंग के विचार के नाम से किया था। इस सेमिनार में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया था। पर सवाल यह है कि नेपाल में चीन के कारनामों को अपनी आंखों से देख रहा भारत क्या कर रहा है। भारत की नीतियां अभी भी नेपाल के प्रति उदारवादी है। इन नीतियों में चीन वाला छल कपट नहीं है, परंतु बदले में नेपाल का विश्वासघात मिलने के बावजूद भी भारत मौन है। सवाल यह भी है कि क्या भारत नेपाल की हालत भी श्रीलंका या पाकिस्तान जैसी होते देखना चाहता है। कम से कम भारत अपने डिप्लोमेट के माध्यम से नेपाली सरकार को सतर्क तो कर ही सकता है। आखिर नेपाल दुनिया का हिंदू राष्ट्र है।
आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा, आपसे शीघ्र भेंट होगी, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, वंदे मातरम।